कि दो दिन पहले थर्सडे को वेनिसडे को बल्कि हम लोग इवेंजलिज्म के लिए गए सदर, मैं और सिस्टर एलवीना हम दोनों साथ थे। और उस घराने में जब हम गए हैं तो उस घराना, वो पूरा घराना नजात याफ्ता नहीं है। वहाँ की एक बेटी है जो खुदा से बहुत प्यार करती हैं, उनका नाम सिस्टर शेरल है, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम उनके घर जाएं और छोटी सी दुआ करें। और हम सब रोज़े में थे उस वक्त, जब हम वहाँ पे दुआ कर रहे थे तो खुदा ने बहुत सी नापाक तासीरें दिखाई, और जो उनकी सास थी वो आधी क्रिश्चियनिटी में चलती हैं और आधी वो हिंदुनिज़म में चलती हैं, तो उन्होंने कोई धागा पहना हुआ था। और मैं काफ़ी दिनों से उनके लिए प्रेयर कर रही थी, और सिस्टर एलवीना जो मेरी प्रेयर पार्टनर हैं, और मैंने भाई जावेद गिल से भी जिक्र किया था कि वो मेरे लिए दुआ करें, और वो हमेशा मेरे लिए दुआ करते हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। और मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि जब हम उनको मुसलसल कलाम बताते रहे, जाते रहे उनके यहाँ, तो खुदा उनका लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने वो धागा उतार कर फेंक दिया। सारा इज़्ज़त और जलाल यस्सु नाम को मिले, खुदा उनका शुक्र की तारीफ है। आई वॉन्ट टू शेयर द टेस्टिमनी बिफोर यू। आई वॉन्ट टू शेयर दैट व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम द मार्केट साइड, आई हैव ए सीवियर पेन इन माई स्टमक। द वर्ड ऑफ गॉड सेज अकॉर्डिंग टू द जेम्स, इफ समवन इज हैप्पी सिंग द सॉन्ग, इफ समवन इज इन डिफिकल्टीज आर इन ट्रबल प्रे टू गॉड। So I begin to, this verse convicted me that I should pray. Then I pray to God and I rebuke the pain. I rebuke you in the name of Jesus, and the pain disappeared. And I glory to God. And one more testimony I want to share you, Pastor Javed Gill. Many months ago, I come here, came in this meeting. I was so depressed and they pray, and God healed me from the depression. And Javed Gill also said, if someone has left the ministry, they are not doing the work of God, they should come back to Jesus. Then I left the ministry. I not spend time in prayer. Then I continuously staying in prayer and come back to Jesus. I glory to God. Good evening everyone. मेरी गवाही ये है कि last year December में मैं university से आई तो अचानक मेरे पैर में जो है वो दर्द हो रहा था थोड़ा सा। मैंने सोचा नॉर्मली हो रहा है, इस तरह उसको इतना नहीं लिया, लेकिन वो स्लाइटली डे बाय डे जो है वो मेरे मतलब पाँव से नीज से बैक, इवन सारे जॉइंट, मल्टीपल जॉइंट पेन मुझे स्टार्ट हो गया। इवन इतना ज़्यादा पेन था कि मैं घर से मतलब बाहर यूनिवर्सिटी जाना मैंने बंद कर दिया, घर में चलना फिरना, इवन मेरा इतना मुश्किल हो गया था कि मुझसे बेड से उठ के वॉशरूम तक नहीं जाया जाता था। मेरी इतनी हालत बुरी हो गई थी, और मतलब बहुत ज़्यादा मैंने अंकल जी से जो है वो प्रेयर्स करवाई, मतलब बहुत ज़्यादा, इवन मैंने जो है वो सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, टेस्ट करवा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन सिम्टम्स की वजह से डॉक्टर्स को लग रहा था कि ये आ रहे हैं मतलब आर्थराइटिस, लेकिन फिर भी जो है टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आ रहे थे। लेकिन ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन था मुझे कि मतलब मेरे लिए उठना बैठना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, इवन बेड के साथ लग गई थी। लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जो है मुझे वहाँ से उठाया, खुदा से मैंने अंकल जी से जो है वो प्रेयर्स करवाई, अंकल जी ने कहा कि ये तुम इत्माद रखो, कुछ नहीं होता, शैतान का कोई हमला है, बस तुम जो है वो हौसला रखो, दुआ करवाओ, जो है ठीक हो जाओगी। और जो है वो हमने प्रेयर्स करवाई, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे वहाँ से उठा के यहाँ तक लाया कि आज मैं जो है वो चल के जो है वो आ रही हूँ, और अब मैं खुदा का शुक्र है कि अपनी यूनिवर्सिटी भी जा सकती हूँ। मतलब इस पूरे वक्त में मतलब मैंने बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बिना ह्यूमन बीन हम बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं, मैंने बहुत शिकवे किए हैं खुदा से कि आप मुझे क्यों नहीं ठीक कर रहे, क्यों मतलब मैं, मतलब आप फिज़िकली के साथ, आप मेंटली भी जब आप एक जगह बाउंड हो जाते हो घर में, आप एक इंसान जो यूनिवर्सिटी जाता है आता है जिसका घर पर रहना नहीं होता, और वो जब एक ही रूम में एक ही बेड पर चिपक जाए तो वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इस पूरे वक्त में मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रही, और फिर भी लेकिन शिकवे भी बहुत किए खुदा से, लेकिन फिर भी खुदा ने जो है वो मुझे ठीक किया, उसके लिए उसकी नहायत शुक्रगुजार हूँ। और कभी कभी कुछ बीमारियाँ तकलीफ़ें शायद इसलिए हमारी लाइफ में आती हैं ताकि हम खुदा के करीब आ जाएं। जितना मैं पहले खुदा के करीब नहीं थी, मेरी फैमिली उतना करीब नहीं थी, इस पूरे वक्त में हमें जो है वो खुदा के करीब आई, खुदा ने मतलब सिखाया,
हमें के अगर उसके करीब से उससे कुछ मांगो तो वो ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ आपको जाने देगा, वो आपकी हर दुआ को कबूल करता है। बेशक कुछ वक्त लेता है लेकिन हर दुआ आपकी कबूल होती है। उस मुश्किल वक्त से जो है मुझे उसने निकाला, इसके लिए उसकी लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जो बेटी सिद्रा डेली हर रोज़ दुआ करती और इसने बताया और साथ साथ अपनी रिपोर्टिंग भी दिखा रही थी मुझे कि ऐसे ऐसे अंकल ये मेरे टेस्ट हैं। अब मैं मेडिकल में था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ टेस्टों का नाम सुन के, ANA टेस्ट होता है एक, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैं इनके लिए दुआ रखने में बैठा हुआ था कि खुदावंद ये बच्ची मुझे वापस चाहिए और इसके स्पिरिट ऑफ डेथ को मैं तेरे नाम से झिड़कता हूँ। और आज खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया। जो अल्फाज मैं कहना चाह रहा था सिद्रा ने कहे, मैंने कहा कि बेटा ये आपकी टर्निंग पॉइंट है, ये बीमारी जो कुछ नहीं है, ये आपको अपने जलाल के लिए की तरफ लाना चाहती है और आप खुदा की मुबशरा बनेगी। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा की। सब होशियार हैं कलाम सुनने के लिए? और कोशिश करें कि शॉर्ट एंड स्वीट एंड स्ट्रांग हो क्योंकि इसके बाद हमने सवालों की तरफ जाना है। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड, गुड इवनिंग इन क्राइस्ट जीसस। इट्स सो अमेजिंग टू बी हियर दिस इवनिंग एंड लाइक एवरी डे आई लाइक आई टेल माय फैमिली आई एम गोइंग टू पार्टी विद द लॉर्ड एंड आई श्योरली डू दैट। सो दिस इवनिंग इज एज वी स्टार्टेड द ईयर विद सुपरनैचुरल मिरेकल। और जैसे कि हमने इस साल को स्टार्ट किया तो इस साल सुपरनैचुरल मिरेकल्स खुदा के ज़हूर में आए एंड गॉड डिड एग्जैक्टली what he said he would do. aur khuda ne wahi kiya 2 years ago 2 saal pehle is a little girl ek choti si ladki hai she was just 1 year old and aur wo takriban 1 saal ki hai she was diagnosed with 2 holes in her heart aur uske diagnose hua tha dil ke andar 2 surakh and one was 3 mm and the other one is 1 mm acha jo heart mein surakh tha ek to jo wo 3 mm tha aur dusra surakh jo tha wo 1 mm ka tha. Well, when we first came to know, we were really discouraged. We were very upset. और जब हमें पहले पता चला तो हम बहुत ज़्यादा discouraged, मतलब बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हुए और हमें बड़ा अफसोस हुआ. The parents were very discouraged. I was not. उसके जो parents थे वो जो थे बहुत ज़्यादा अफसुर्दा थे और परेशान थे, लेकिन मैं परेशान नहीं थी. Well, I first thing that came across my mind was to go on my knees and pray along with Brother Javed. So I called him. और पहली चीज़ जो मेरे जहन में आई कि मैंने सोचा कि मैं अपने घुटनों पे होकर और ब्रदर जावेद के साथ मिलकर उस बच्ची के लिए दुआ करूं। So it took about 2 years और ये तकरीबन 2 साल लगे and the doctor told her that she had to go now recently to go and have her echo done और डॉक्टर ने कहा कि वो अब जाके उसका इको करवाएं and the children were very the parents were really afraid and I called brother up again and I said brother this is what it is and please just keep it in prayer aur uske maa baap jo the wo bahut pareshan the aur maine brother javed ko call ki aur kaha ki unko please dua mein rakhein yaad rakhein so brother sent a voice message and I passed it over to the parents aur maine brother javed ka voice message unki family ko dua ka voice message unki family ko bheja and when she came back a couple of days back and went for the echo and everything and by the grace of God and all praise to the King of Kings and the Lord of all Lords the 3 mm heart hole was closed completely praise God we cannot thank the Lord enough for what he is doing for us in these days so praise the Lord there is still 1 mm hole is still there but we believe that our God has already done it amen praise the Lord